आज का जो टॉपिक है वो है रेडिएशन हजार्ड। ठीक है, तो आज हम रेडिएशन हजार्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रेडिएशन हजार्ड, ये क्या है। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा रेडिएशन के बारे में कि हमारी बॉडी को मतलब ये कह रहे हो कि एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मतलब किसी के भी थ्रू, चाहे वो सन के थ्रू हो या रेज के थ्रू हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी उस पर रेज जो होती है रेडिएशन है वो एक्सपोज होती रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन रेडिएशन का मतलब सोर्सेस क्या है और वो हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं, और या ये कह सकते हैं कि रेडिएशन हमारे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, साइज ऑफ कंपोनेंट दैट मेकअप लाइफ ऑन प्लेनेट, मतलब ये हमारे मतलब कंपोनेंट है जो एक क्या करती है, एक लाइफ को फॉर्म करती है इस अर्थ पे, एक लाइफ को फॉर्म करती है जिसमें हमारे डीएनए होते हैं, एटम्स होते हैं, बैक्टीरिया है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, हार्ट ही मतलब काफी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे मिलके ह्यूमन मतलब फॉर्म हुआ है। तो हम जो ह्यूमंस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, और इसमें छोटी से छोटी चीज का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जैसा कि है एटम्स है, इनका भी बहुत बड़ा हमारी बॉडी में रोल्स है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर एटम्स से पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन की रेडिएशन होती क्या है। तो रेडिएशन क्या है, तो इसमें है रेडिएशन रेफर टू टिनिंग इनविजिबल और हाई स्पीड पार्टिकल्स या हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी दैट पासिस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर एंड कैन हैव मैनी मैनिफेस्टेशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी रेडिएशन है वो छोटी हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है, ना दिखाई देने वाली हो सकती है, हाई स्पीड की पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी होती है, जो क्या होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पास होती है और काफी सारे मैनिफेस्टेशन मतलब जनरेट करती है। ठीक है, मतलब काफी ये कह लो कि बहुत सारी ऐसी चीजों को मतलब जनरेट कर। तो जो रेडिएशन है वो एक तरफ से दूसरी तरफ क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, पास होती है। जैसे अगर हम सनलाइट की बात करें तो जो सन है वो बहुत मतलब सन है वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है, बट उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो लाइट है वो हमारे अर्थ पे पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि सन तो एक ही है और वो बहुत दूर है, तो उसकी जो रेज जो हमारे प्लैनेट पे पड़ती है उस प्लैनेट के साथ साथ वो जो रेज है वो हमारे ऊपर भी पड़ती है। तो जो सनलाइट का जो एक्सपोजर वो बहुत ज्यादा वास्ट है, या ये कह लो कि जो लाइट हमें दिखाई देती है वो छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो हमारे अर्थ पे गिरती हैं। तो उसी तरह जो रेडिएशन है वो भी क्या है, एक 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 लोकेशन से दूसरी लोकेशन भी क्या होती है, पास हो रही है। तो ये जो रेडिएशन है, तो इस रेडिएशन में भी क्या है, रेडिएशन क्या होती है, वो एक जगह तो ठहरती नहीं है, तो एक अगर कहीं से भी रेडिएशन पास होगी तो वो एक डिस्टेंस को कवर करके दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, जिसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो एक जगह होकर भी दूसरी जगह वो अपनी मतलब अपनी प्रेजेंस को शो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन की, रेडिएशन कितने टाइप्स के हैं। तो रेडिएशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, सेकंड है पर्टिकुलेट रेडिएशन। अगर हम आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स के अंदर है, तो आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और अगर पर्टिकुलेट रेडिएशन की बात करें तो उसमें हमारे अल्फा बीटा रेडिएशन इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन की, जो रेडिएशन है उसके सोर्स क्या है। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक नेचुरल बेस सोर्स है और एक मैनमेड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन है। अगर हम नेचुरल की बात करें तो इसमें क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ से जनरेट होती है। नेक्स्ट है कॉस्मिक रेडिएशन जो हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट है इंटरनल रेडिएशन जो क्या है, रेडियो एक्टिव है।
रेडियो एक्टिव एटम दैट मेक स्मॉल परसेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब जो इंटरनल रेडिश जो क्या है रेडियो एक्टिव एटम मतलब क्या करते हैं बॉडी टिश्यू में जनरेट करते, तो ये हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अब हम बात करेंगे मैन मेड रेडिएशन, तो इसमें हमारे कौन से हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है मतलब जो चीज हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गए, एयर ट्रेवल्स हो गए एयर के थ्रू जो आ रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक फॉल आउट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हो गए, और मेडिकल रेडिएशन। ये क्या है मेडिकल रेडिएशन क्या है जो हमारी एक्सरेज है, ठीक है, तो ये हमारी मैनमेड है, तो हमारे एक नेचुरल है जो नेचुरली रेडिएशन कॉज करती है और एक मैनमेड है जो मतलब इंसानों के थ्रू बनाया हुआ जिससे रेडिएशन क्या है फॉर्म होती है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर की, तो इसमें क्या है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजी प्रोटेक्शन, बेटा इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ICRP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन हैज डिफाइंड एक्सपोजर टू मेडिकल रेडिएशन इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। जो ICRP है उन्होंने मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर को थ्री कैटेगरी में डिफाइन किया है। नंबर वन है एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल फॉर डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन एंड थेरेप्यूटिक पर्पस, मतलब ऐसा एक्सपोजर जो हम पेशेंट पे डायग्नोस्टिक के लिए कर सकते हैं, इंटरवेंशन के लिए कर सकते हैं, या थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए कर सकते हैं, एक तो वो हो गया। नेक्स्ट है एक्सपोजर इन करंट नॉनिंग एंड विलिंग इंडिविजुअल हेल्पिंग आइदर इन हॉस्पिटल या एट होम इन द सपोर्ट एंड कम्फर्ट ऑफ पेशेंट अंडर गोइंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। और एक ऐसा मतलब इसमें क्या है जो एक्सपोजर हमने दिया है वो इंडिविजुअल की विलिंग और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमने दिया, जो या तो हॉस्पिटल के थ्रू ले लो या होम में हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट को सपोर्ट मिल सके और से थोड़ा आराम मिल सके, ठीक है। लेकिन इस रेडिएशन के बारे में पेशेंट भी जानता होगा और उसकी नॉलेज भी रखता होगा और वो खुद इस चीज को मतलब उसकी विलिंग होगी, इच्छा होगी कि हाँ हमें ये मिले, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोजर इन कर्ड बाय वॉलेंटियर्स एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, मतलब बायोमेडिकल रिसर्च में जो वॉलेंटियर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं एक चीज उनको भी मतलब उनके लिए भी है। तो ये कह लो एक तो हमने डायग्नोस्टिक पर्पस पे कर लिया कि हमें ये पता करना है कि पेशेंट को क्या है, एक डायग्नोस्टिक पर्पस या थेरेपी पर्पस पे कर लिया, एक पेशेंट के मतलब विलिंग के अकॉर्डिंग हमने मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर दिया, और एक है वॉलंटियर जो रिसर्च करते उनके लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने मेडिकल रेडिएशन को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ मेडिकल एक्सपोजर, ठीक है। तो जैसा कि हम ये रेडियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें अगर हम रेडियोग्राफी में पढ़ रहे तो नॉर्मल सी क्या है मेडिकल एक्सपोजर है, ठीक है। तो अगर जो हमारे मेडिकल एक्सपोजर का जो रिसोर्स है उसमें क्या है हमारे जैसे रेडियोग्राफी हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है, न्यूक्लियर इमेजिंग हो गई, एक्सरे सिटी हो गया, या रेडिएशन थेरेपी, ये हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक। तो जो हमारा जो इसके जो मेन सोर्सेस में हमारे रेडियोग्राफी न्यूक्लियर इमेजेस रेडिएशन थेरेपी और सिटी इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन कॉजेस आयनाइजेशन ऑफ, जो रेडिएशन वो क्या करती है आयनाइजेशन को कॉजेस करती है, कौन से एटम्स को करेंगी, विच में इफेक्ट जिसके मतलब जो रेडिएशन जो आयनाइजेशन वो एटम को इफेक्ट है जिससे क्या होगा मॉलिकुलर इफेक्ट होगा, बीच में इफेक्ट जिसकी वजह से वो सेल को इफेक्ट करेगा, और सेल अगर इफेक्ट होगा तो टिश्यू इफेक्ट होगा, अगर टिश्यू इफेक्ट होगा तो ऑर्गन इफेक्ट होगा, और अगर ऑर्गन इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी इफेक्ट होगी। बेटा ये समझ में आया, बेटा आपको ये समझ में आया, किसी को आवाज आ रही है बेटा, सुनाई दे रहा है सबको, समझ में आया बेटा, ये बताओ ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई है? नो मैम।
ये समझ में। देखो क्या है कि जैसे अभी हमने बात की ना कि आयनाइजेशन रेडिएशन की बात की ना कि आयनाइजेशन रेडिएशन होती है या नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन, हमने ये बात की ना, ठीक है। तो अब देखो जब भी रेडिएशन की वजह से आयनाइजेशन होता है तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, एटम्स पे डालेगा, ठीक है। आयनाइजेशन की वजह से एटम पे इफेक्ट डालेगा, एटम अगर इफेक्टिव होगी तो वो क्या है, एटम से मिलके तो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। अब देखो एटम, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके सेल्स बनाते, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते, और सारा ऑर्गन मिलके एक बॉडी का होल सिस्टम बनाता है। इतना तो मालूम है ना सबको बेटा, इतना तो जानते हो ना बेटा, बोलो। यस मैम। हाँ इतना तो जानते हो ना कि कैसे कैसे क्या है। तो अगर मान लो कि आयनाइजेशन की वजह से एटम पे इफेक्ट पड़ा तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं तो मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट बनेगा, अगर और फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर सेल्स बने तो अगर मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट हुआ तो सेल्स पे इफेक्ट होगा, सेल से टिश्यू बनते हैं तो टिश्यू पे अगर इफेक्ट होगा तो नहीं सेल्स पे अगर इफेक्ट होगा तो टिश्यू पे इफेक्ट होगा, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते तो अगर टिश्यू पे इफेक्ट होगा तो ऑर्गन पे इफेक्ट होगा, ऑर्गन मिलके एक होल सिस्टम बनाते हैं बॉडी का, अगर ऑर्गन पे इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा। इतना समझ में आ गया मेरा, बताओ इतना समझ में आ गया। अब है डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन रेडिएशन की, जो हमारे रेडिएशन है वो बायोलॉजिकल पे कैसे इफेक्ट डालते। तो इसमें लिखा है फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ एक्सरे डॉक्टर एंटोन हेनरी बेक्यूरल डिस्कवर्ड अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन दैट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सरे। मतलब हमने एक्सरे की डिस्कवरी देगी जो भी, तो उसके बाद जो डॉक्टर एंटोन है उन्होंने एक अलग रेडिएशन को खोजा जिस जो क्या है एक्सरे से प्रॉपर डिफर होता है, ठीक है। रेडिएशन वॉज एमिटेड बाय नेचुरल अक्रिंग यूरेनियम कंपाउंड, जो रेडिएशन था वो यूरेनियम कंपाउंड से अपने आप एमिट हो रहा था, ठीक है। सून आफ्टर रेडिएशन वॉज डिस्कवर्ड, जैसे ही मतलब डिस्कवर रेडिएशन की डिस्कवर होने के बाद इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट वर्ड फाउंड, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद वो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट में जो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट वो क्या करने लगा, असर करने लगा, ये हमें मिला। फिर फोटोग्राफ ऑफ आर्म ऑफ पेरिक क्यूरी, तो ये जो फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ ऑफ आर्म, ये आर्म है ना, ये देखो क्यूरी, क्यूरी पढ़ा था ना हमने, क्यूरी रेडिएशन की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने, पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ जो हैंड दिखाई दे रहा है पेरी क्यूरी का जिसमें इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इन 19 ही अप्लाइड रेडियम सॉल्यूशन ऑन हिज लेफ्ट आर्म, तो ये जो है ये पेरी क्यूरी कोई और है, ठीक है, जिसमें ये एक जेंट्स है जिसके आर्म पे ये निशान, तो 1900 में उसने क्या किया, उसने रेडियम सॉल्यूशन को अपने लेफ्ट हैंड पे क्या किया, अप्लाई किया एंड रिपोर्टेड सबसिक्वेंट चेंजेस ऑन द स्किन, उसके बाद ये देखा कि उसकी स्किन में थोड़ी बहुत चेंजेस आने लगी। रिंग शेप ऑन हिज आर्म इज, तो उसके आर्म पे क्या एक रिंग शेप फॉर्म होगी, एज ही रिपोर्टेड इन दिस स्टडी, और उसने स्टडी में लिखा ड्यू टू द रेडियम कॉज बर्न लाइक चेंजेस ऑन हिज, उसने ये लिखा कि रेडियम की वजह से उसकी स्किन पे बर्न लाइक चेंजेस मतलब हुआ है, ठीक है, और बाद में ये हील भी हो गया, ठीक है। Soon after discovery of radiation, it become clear that radiation somehow trigger biological effect. मतलब radiation की discovery के बाद ये पाया गया कि जो radiation होती है वो biological effect cause करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम radiation effect on molecules and cellular level, कि radiation का effect हमारे molecules से cellular level पे कैसे, तो ये क्या करता है, टारगेट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ऑफ रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन है वो हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट को मतलब क्या करता है, टारगेट करता है हमारे बायोलॉजिकल एरिया को, टारगेट करता है जो किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशन इंड्यूस डीएनए डैमेज, जो हमारा रेडिएशन है वो डीएनए डैमेज भी कर सकता है, और हमारी बॉडी हमारी जो हम ह्यूमन बींग है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही तो होता है, ठीक है। तो रेडिएशन क्या करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, और साथ साथ सेलुलर रेडियो
रिस्पॉन्स भी करता है, उसके साथ साथ जो रेडिएशन है वो म्यूटेशन भी करता है। म्यूटेशन होने की वजह से आजकल काफी सारी डिजीज हो सकती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लो कैंसर, कैंसर भी म्यूटेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन इफेक्ट ऑन टिश्यू या ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रेडिएशन है वो टिश्यू या ऑर्गेनिज्म पे कैसे रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मतलब जो रेडिएशन एक्सपोजर का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है। रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। तो ये सेल्स और टिश्यू को क्या करता है, सेंसिटिव कर देता है। टारगेट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन रेडिएशन, मतलब रेडिएशन का जो मतलब बायोलॉजिकल में मतलब ये कह लो कि बायोलॉजिकल में कौन सा टारगेट होता है हमारे रेडिएशन का, तो इसमें क्या है, ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट इन अमीबा, क्या गया, टारगेट इज न्यूक्लियस, मतलब जब हमने अमीबा पे ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब इसको अप्लाई किया तो इसका जो मेन टारगेट क्या बना, न्यूक्लियस, जिसमें क्या है डीएनए की, जैसा कि इसमें दिखाया गया ना, देखो इसमें अमीबा है, ठीक है। अमीबा पर जब हमने रेडिएशन अप्लाई किया तो देखो अमीबा कैसा हो गया, ठीक है। उसले क्या, उसमें क्या है न्यूक्लियर, उसके बाद क्या है उसका न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन हुआ, उसके बाद उसमें मतलब क्या क्या रेडिएशन डाला तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जब हमने न्यूक्लियस एक्सिजन के न्यूक्लियस को हटा दे, फिर उसके बाद जब हमने अप्लाई किया तो भी यही प्रॉब्लम आने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन है वो हमारे टिश्यू पे या कह लो हमारे जेनिटल्स पे इफेक्ट करता है। सब्सिक्वेंट स्टडी रिवील दैट मेजर टारगेट ऑफ रेडिएशन इज डीएनए, स्टडी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया कि जो रेडिएशन का जो सबसे मेन जो टारगेट होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। अगर डीएनए अगर टारगेट होगा, अगर डीएनए पे रेडिएशन का बुरा इफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती है, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन strongly influenced by DNA that damage and it repair after irradiation, ठीक है। अब बात करते हैं रेडिएशन इंड्यूस डीएनए डैमेज, जैसे कि अभी बात की कि जो रेडिएशन है उसकी वजह से डीएनए डैमेज होते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी डैमेज बेस्ड ऑनली, इसमें क्या है डैमेज बेस्ड ऑनली, ये है जो डीएनए का बेस उसको डैमेज करेगा। डैमेज दैट कॉज ब्रेक ऑफ वन स्ट्रैंड, मतलब एक में है कि वो सिर्फ बेस को डैमेज करेगा, दूसरा है कि वो वन स्ट्रैंड को डैमेज करेगा, तीसरा है वो दोनों को ही एक ही जगह पे ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। समझ में आया, तो जो रेडिएशन है वो डीएनए की या तो बेस को डैमेज करेगा या एक स्ट्रैंड को, हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो या तो वो एक स्ट्रैंड को डैमेज कर देगा, ब्रेक कर देगा, नहीं तो वो दोनों को ही ब्रेक कर देगा। अब बात करते हैं सेल रिस्पॉन्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है जब रेडिएशन एक्सपोजर की जाती है, ठीक है। अब देखो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से नॉर्मल सेल फंक्शंस होगा, ठीक है। अगर हम डीएनए पे रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो डीएनए डैमेज हो सकता है, ठीक है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टॉप ऑफ सेल ये पॉलीफ्रेशन सिंथेसिस ऑफ रिपेयर एंजाइम, मतलब सेल का पॉलीफ्रेशन स्टॉप हो जाएगा और रिपेयर एंजाइम क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या, डीएनए तो डैमेज हो गया है, ठीक है, और रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, और जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। मतलब डीएनए पे अगर रेडिएशन अप्लाई किया है तो कहने का मतलब है कि बाद में डीएनए डैमेज हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन, जैसे कि मैंने म्यूटेशन में बताया ना
कि नॉर्मल कैंसर मतलब इसका मेन कारण है कैंसर, मोस्टली म्यूटेशन की वजह से ही होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूटेशन की। रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें हम रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेडिएशन जस्ट लाइक केमिकल सब्सटेंस एंड वायरसेस, जो रेडिएशन है वो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस की तरह है, एक वायरस की तरह हैज द एबिलिटी टू इंड्यूस म्यूटेशन, जिसमें एबिलिटी है कि वो म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते, मतलब प्रोड्यूस कर सकते। तो रेडिएशन को हम यहाँ ये कहा कि रेडिएशन एक तरीके केमिकल या वायरस की तरह है जो म्यूटेशन को इंड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, म्यूटेशन इन द सोमेटिक सेल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, जैसे कि मैंने अभी बताया ना म्यूटेशन का एग्जांपल, तो इसमें बताया गया कि म्यूटेशन इन द सोमेटिक सेल, अगर सोमेटिक सेल में म्यूटेशन इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूटेशन इन रिप्रोडक्टिव सेल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, अगर म्यूटेशन हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में इंक्रीज हो जाए तो भी कैंसर की रिस्क मतलब रिस्क हो सकता है, एंड मे बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन एज जेनेटिक मटेरियल, और ये मतलब ये कह लो कि ये इनहेरिटेड हो सकता, मतलब एक जनरेशन से आने वाली दूसरी जनरेशन में भी इसका जेनेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि इसमें शो क्या है ना डायग्राम से देखो, शो क्या कि रेडिएशन, ये ह्यूमन बॉडी है, रेडिएशन पड़ी तो उसकी वजह से उसकी जो सोमेटिक सेल म्यूटेशन हो गया उसकी वजह से कैंसर कॉज हो गया। उसी तरह अगर उसकी रिप्रोडक्टिव सेल का म्यूटेशन हो जाए तो उससे कैंसर भी हो सकता है और वो जेनेटिक इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? बेटा समझ में आया आप लोगों को ये? यस मैम। क्या समझ में आया? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन रेडिएशन जस्ट लाइक केमिकल सब्सटेंस, मतलब जैसे वायरस, मतलब उनकी वेरिएबिलिटी होती है इंड्यूस म्यूटेशन की। बेटा म्यूटेशन का मतलब पता है क्या होता है? सुनो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब एक तरीके का एक अबनॉर्मलिटीज है जिसमें हमारे जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स के बारे में तो पढ़ा है ना, जीन्स में अबनॉर्मलिटी। हाँ जीन्स में जैसे मतलब मान लो जैसे हम ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी प्रॉपर पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह हमारे जीन्स भी उसी सिक्वेंस में मान लो लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे कि हम ए बी सी डी पढ़ते हैं सीक्वेंस में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे जो जीन्स है वो भी सीक्वेंस में लगे होते हैं, तो जैसे रेडिएशन उस पे पड़े तो मान लो हमारे ए बी सी डी में डी गायब हो गया। ठीक है, मान लो हमने डी को हटा दिया, उसी तरह जो हमारे जीन्स की सीक्वेंस है ना, म्यूटेशन उस पे पड़े तो या तो एक जीन्स उसमें से गायब हो जाए या डबल आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूटेशन है, अब नॉर्मेलिटीज है हमारी जीन्स की, तो उसको ही म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आया? बेटा समझ में आया? यस बेटा बोल। ठीक है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे बेटा? बाकी सो गए? नो मैम। बेटा समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बात की ना जीन्स की, तो देखो एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जो हमारे जीन्स है उसमें ही क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम तो सबने पढ़े हैं ना बेटा, क्रोमोसोम तो पढ़े ही है ना, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 का पेयर, 23 का पेयर्स है ना? यस मैम, 46। हाँ तो 23 का पेयर्स पढ़ते हैं ना? यस मैम। हाँ तो हमारे बॉडी में कितने, हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स में है, तो 23 अगर टोटल है तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते। तो अब यहाँ देखो रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ गई। तो देखो अगर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? यस मैम।
फिर हमने उस पे रेडिएशन अप्लाई की, दिखाई दे रहा है रेडिएशन, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। अब देखो रेडिएशन की वजह से क्या होगा, डिलीशन लिखा है ना नीचे, डिलीशन इसका मतलब जो क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट हिस्सा क्या हो गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया है, खत्म हो गया है, इन्वर्शन मतलब उसमें डबल। अब देखो इसमें क्या है, डिलीशन हो गया, तो डिलीशन देखो कैसे कैसे, इसमें देखो एक इन्वर्शन है, डबल आ गया है, एक ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला गया है, या डिसेंट्रिक हो गया मतलब डबलिंग हो गई, देखो दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, एक तरीके की अबनॉर्मलिटीज है, मतलब म्यूटेशन हो गया उसमें, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी की, रेडिएशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है हार्मफुल टिश्यू रिएक्शन, जैसे कि मान लो अगर ह्यूमन बॉडी पे रेडिएशन क्या है, रेडिएशन क्या है पड़ेगी, तो क्या है, जैसे कि हमने बताया कि सोमेटिक सेल पे क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें देखो हार्मफुल टिश्यू रिएक्शन हो जाएगा, सोमेटिक इफेक्टेड हो जाएगी, तो इसमें देखो क्या है, एक देखो एक्यूट इफेक्ट होगा, एक्यूट इफेक्ट में क्या है, एरिथमा हो जाएगा, हेयर लॉस होने लगेंगे, दूसरा है इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियो या फीटस, मतलब जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके एम्ब्रियो पे इफेक्ट पड़ सकता है, फीटस पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे हम मना करते हैं, लिखा होता है ना, अगर तुम कभी भी एक्सरे सिटी स्कैन में गए तो वहां लिखा होगा, होता है ना प्रेग्नेंट लेडी के लिए, कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो मतलब बता दे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट इफेक्ट, मतलब कुछ लोगों में ये लेट इफेक्ट आता है, जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ब्लैक मोतियाबिंद, या कैंसर हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए, ये इसके लेट इफेक्ट है। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा, समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, दिखाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक इफेक्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि जो रेडिएशन है उसकी वजह से क्या है, वो जेनेटिक इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा सकती है, तो इसमें क्या है? ये हेरिडिटी डिसऑर्डर कर सकती है, अगर जेनेटिक अगर इसका जीन्स पे इफेक्ट किया तो ये इसकी वजह से हेरिडिटी होने के चांसेस हो सकते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं, जिसको हम हेरिडिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, नहीं तो कॉन्जिनेटल एबनॉर्मल्स मतलब जन्मजात प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन डैमेज, ठीक है, रेडिएशन डैमेज के टाइप्स कितने हैं, तो अब पढ़ते हैं एक्यूट, मतलब जो कुछ लॉन्ग ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट किया है, जिसको क्या है एक्यूट रेडिएशन डैमेज, ठीक है, इसमें क्या है दिस अपीयर एट द लीस्ट आफ्टर 2 to 2 months ऑफ एक्सपोजर, मतलब ये जो है एक्यूट इफेक्ट में क्या है कि एक्सपोजर के 2 या 3 महीने के बाद इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कैजुअल रिलेशनशिप विद रेडिएशन इज इजी टू फाइंड, मतलब जो कैजुअल रिलेशन है रेडिएशन का ये फाइंड करने में बहुत ही आसान, जैसे कि डेथ, ल्यूकोपेनिया या स्किन रिएक्शन, ये क्या है एक्यूट, जो क्या है शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टाइम में ही हमें दिखाई दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट इफेक्ट, मतलब क्रॉनिक late radiation damage, okay? These appear after long incubation period following exposure, मतलब जो इनका incubation period है उसके बाद ही मतलब patient में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है late effect है। The casual relationship with radiation is often difficult to find, जो इसमें देखो acute में तो हम find कर लेते हैं कि हमने अभी x-ray कराया कुछ भी इसलिए हमें skin allergy होगी, लेकिन late वाले में हम नहीं बता सकते कि किस कैसे हुआ, तो इसलिए इसको पता करने में difficulty होती है, ठीक है, जैसे कि cancer हो गया, जेनेटिक इफेक्ट्स हो गए, कैटरैक्ट हो गए, या ग्रोथ फेलियर, ये क्या है हमारे इंटरनल चेंजेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते हैं, ठीक है, तो ये इसका क्या है लेट इफेक्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा, समझ में आया? यस मैम। अब है प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर रेडियो सेंसिटिव, जिसमें क्या लॉ ऑफ बर्गोनी एंड टर्बोडोन का, मतलब हमने लॉ
यूज केस में फ्रिक्वेंटली डिवाइडिंग सेल हैव हायर रेडियो सेंसिटिविटी, मतलब मतलब जो सेल्स तुरंत क्या होने लगे, डिवाइड होने लगे, इसका मतलब है कि वो हाई रेडियो सेंसिटिव है. ठीक है, सेल विद एबिलिटी टू डिवाइड ओवर ए लॉन्ग पीरियड हैव ए हाई रेडियो सेंसिटिव, मतलब जो सेल है उसकी एबिलिटी है कि वो लंबे समय तक वो क्या हो सके, डिवाइड हो सके, तो इसका मतलब वो भी रेडियो सेंसिटिव है, हाई रेडियो सेंसिटिव है. नेक्स्ट है अनडिफ्रेंशिएट सेल हैव हाई रेडियो, अगर कोई सेल है जिसको हम मतलब डिफाइन ना कर सकते, पता ना लगा सकते, उसका मतलब वो भी क्या है, हाई रेडियो सेंसिटिव है. ठीक है, आप देखो तो साइकिल एंड रेडिएशन सेंसिटिविटी, यहाँ हमने साइकिल देखी रेडिएशन की, तो अगर हम देखो रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ सेल डिफर डिपेंड ऑन द फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब जो रेडियो सेंसिटिविटी जो सेल की होती है वो मतलब वो डिपेंड करती है फेज के, मतलब जो फेज है जो सेल साइकिल का जो फेज है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिपेंड करती है. दिस इज रेफर टू एज ए सेल साइकिल डिपेंडेंस, जिसको हमने कहा है सेल साइकिल डिपेंडेंस. रिलेशनशिप बिटवीन द सेल साइकिल एंड रेडिएशन सेंसिटिविटी इज शो इन द ग्राफ, जैसे कि इसे हमें दिखाई दे रहा है. अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो देखो इसमें ये हमारी सेल साइकिल है, सेल साइकिल हमने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, तो सेल साइकिल के अकॉर्डिंग ही, तो देखो इसमें जो हमने स्कूल में जो सेल साइकिल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे रेडियो सेंसिटिविटी को शो किया. तो जिसमें देखो अर्ली जीवन, जहाँ जीवन दिखाई दे रहा है अर्ली जीवन, तो ये कौन सा है, लो सेंसिटिविटी, मतलब इस केस में जो रेडियो रेडिएशन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही लो होती है. फिर है लेट जीवन फेज टू अर्ली S1 phase, मतलब जो जीवन फेज का जो लास्ट फेज होगा वहां से लेके S1 स्टार्ट होने तक का जो फेज होता है वो जो फेज होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिव होता है. फिर है लेट S फेज, मतलब S फेज का जो लास्ट एरिया है वो वहां से लेके फेस होता है उसकी भी सेंसिटिविटी कम होती है. फिर आते हैं एम फेस पे, एम फेस की जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. बेटा सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, सेल साइकिल ना पढ़ रखी, जब आप लोगों ने म्यूटेशन ये माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा ना उस वक्त सेल साइकिल भी पढ़ा होगा, याद आया आप लोगों को. बेटा सृष्टि समझ में आया, सेल साइकिल पढ़ा है ना स्कूल में, बेटा जवाब तो दो. अब है रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन की, जो रेडियो सेंसिटिविटी हमारे टिश्यू और ऑर्गन की कैसी है, तो अगर रेडियो सेंसिटिविटी हाई है तो ये किस पे एक्ट करेगा, हमारे लिम्फ जॉइंट टिश्यूज पे, बोन मैरो, गोनाड्स, इन पे करेगा. ठीक है, अगर और देखो अगर ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम पे वर्क करेगा, इसमें जो सेंसिटिविटी क्या है इनकी हाई होती है. म्यूकस मेम्ब्रेन पे करेगा, स्किन एपिथेलियम, कैपिलरीज, आई लेंस और हेयर फॉलिकल्स पे करेगा. ठीक है, जो रेडियो सेंसिटिविटी मीडियम होगी किसमें, किडनी, लीवर, लंग्स, सलाइवरी ग्लैंड पे जो रेडियो सेंसिटिविटी है वो मीडियम है. उसके बाद है थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू पे जो रेडियो सेंसिटिविटी है वो क्या मीडियम टू लो, मतलब ये कह लो डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे बोन, फैट, नर्व सेल्स का क्या है, रेडियो सेंसिटिविटी कितनी है, बहुत ही लोवेस्ट होती है. ठीक है, अब यहाँ है रेडिएशन डोज टू एडल्ट, यहाँ पे डोज के अकॉर्डिंग, मतलब इस स्लाइड में डोज दिखाई दे रही है. अब है इफेक्ट ऑन रेडिएशन ऑर्गेनिक्स एंड टिश्यू लेवल, जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो ऑर्गेनिक्स और टिश्यू लेवल के कैसे, इसमें डिटरमिनाइजिंग इफेक्ट एंड स्टेटोचेसिस इफेक्ट. डिटरमिनाइजिंग इफेक्ट में क्या है, डिटरमिनाइजिंग मतलब जिसमें हम डिटरमाइन कर सकते, पता लगा सकते, और स्टोकोचेसिस इफेक्ट में हम कार्सिनोजिनोसिस में क्या होता है, कैंसर प्रोडक्शन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कैंसर. और नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन रेडिएशन, मतलब हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को क्लासिफाइड किया है. ठीक है,
The biological effect of radiation divided into deterministic effect and stochastic effect, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था. अब है डिटरमाइनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है. तो डिटरमाइनिस्टिक इफेक्ट आर कॉज बाय सेल डेथ. जो डिटरमाइनाइजिंग इफेक्ट है वो सेल डेथ से कॉज होता है, ठीक है, जिसमें हमारे डेथ ऑफ इंडिविजुअल, कैटरैक्ट, डैमेज ऑफ स्किन, डैमेज टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, डैमेज टू बोन मैरो. जो हमारा स्टोचेस्टिक इफेक्ट है इसमें क्या होता है, कार्सिनोजेनिक और जेनेटिक इफेक्ट. मतलब कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है, और जेनेटिक इफेक्ट है कि वो जेनेटिक इफेक्ट होने की वजह से वो कॉन्जेनाइटल या हेरिडिटरी डिजीज को कॉज कर रहा है. अब है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट. जो हमारे जीआईटी ट्रैक है उसमें वो कैसे इफेक्ट करता है. तो उसमें डोडिनम इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव पार्ट इन द जीआईटी ट्रैक. हमारे जीआईटी ट्रैक में जो डोडिनम होता है वो बहुत ज्यादा रेडियो सेंसिटिव पार्ट होता है. द क्रिप्ट सेल, जो क्रिप्ट सेल इन द इंटेस्टाइनल ग्लैंड आर स्पेशली सेंसिटिव टू रेडिएशन. जो हमारे ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जो क्रिप्ट सेल प्रेजेंट होती है वो भी ज्यादा सेंसिटिव होती है. अब जैसे कि स्लाइड में दिखाई दे रहे रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, मतलब रेडिएशन की वजह से होने वाले कैंसर, जैसे कि इसमें टाइप्स ऑफ कैंसर दिखाया गया है, स्किन कैंसर, ऑस्टो सार्कोमा, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, ये ज्यादातर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है. अब है जेनेटिक इफेक्ट. जेनेटिक इफेक्ट में क्या होता है, रेडिएशन की वजह से जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है, और जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है.